सलोनी कुमारी को पुरस्कृत करने के लिए हम इस दुर्गा पूजा कमेटी के अपने अध्यक्ष श्री राम सिंहासन जी को आमंत्रित करते हैं। तो श्री राम सिंहासन राय जी, शुक्रिया। अब हम आपले भैया जहां माता रानी होंगी वहां हनुमान भी होंगे, तो हनुमान जी के रूप में रंजीत कुमार हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे रंजीत कुमार को हमारे शंकर जी, हनुमान को शंकर जी, जी हाँ, क्या संयोग है, क्या संयोग है। शंकर सुमन के शरी लंदन, तेज प्रताप महाजगंदन, जी हाँ, संपत्ति के ही पुत्र माना जाता है हमारे हनुमान जी को। तो हम अपने हनुमान जी को शंकर पासवान के द्वारा अर्थात शंकर जी के द्वारा पुरस्कार देना चाहता हूँ, पुरस्कृत किए। धन्यवाद। शंकर जी और हनुमान जी दोनों चले गए। आप सुनील पासवान महिषासुर, जी हाँ, सुनील कुमार महिषासुर, देखिए आपके सामने महिषासुर हाजिर। अब द्रोणाभिषेक, हमारे कमेटी के द्रोणाभिषेक जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप महिषासुर जी को पुरस्कृत कीजिए। धन्यवाद। अब चलिए, आपने महिषासुर को देखा, हनुमान जी को देखा, माता रानी को देखा, और उन माता रानी को, हनुमान जी को सजाने वाले, जी हाँ, रूप सच्चा के जो मास्टर हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम सिकंदर पटेल, जी हाँ, अब सिकंदर, पहले सिकंदर पटेल थे, अब वनवासी हो गए। तो सिकंदर पटेल जी, आप जहां कहीं भी हो, आइए, अब आपके सामने हाजिर हैं सिकंदर पटेल, और इनको पुरस्कृत करेंगे हमारे अध्यक्ष। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं कमेटी के सारे मेंबर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ साथ मैं सारे ग्रामीण को भी प्रणाम, लेकिन एक चीज अभी याद आप रखिएगा, हम बहुत जमाने में खेल चुके हैं नाटक, आप लोग को याद भी होगा, भूले नहीं होइएगा, वो आज नहीं है, आज है कुछ और जमाना, आज कुछ और जमाना। अभी आप देख लो, एक परदेशी, परदेशियों से नाखियां मिलाना, परदेशियों को है एक दिन आना और वहां जाना, ये आप शांत रहो भाई, लेकिन आप क्या कीजिएगा, झामर झूमर में राजी, जमाना इसी का है श्रीमान जी, लेकिन आप लोग शांति से देखिए। मैं आप लोगों के नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्रीमान जी, आपके ग्राम का यह संस्था है, सारे समाज मिलजुल करके सब देखिए, आपस में प्रेम मिला करके चलिए। धन्यवाद। देखिए, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं क्या करूं, लेकिन कुछ कहना पड़ता है। राधे श्याम जी ने लिखे है रामायण में, मेरी दरनाई होती उस पार पहुंच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती सीता सुध ले आता अब तक।
इसीलिए मेरी तरदाई तो खत्म है। इसलिए ये जो आप लोग नहीं समझिएगा, ये जामवंत जी का कहना था, जो समुद्र पर सीता मैया को पता लगाने गए थे उस समय ये जामवंत जी कहे थे हनुमान जी को कि अब तो मेरी तरदाई खत्म है, हनुमान उठो जागो और जा करके माता सीता का पता लगाओ। धन्यवाद धन्यवाद। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं क्या बोलूंगा, देखते हैं नहीं। अरे आप में वो चीज अभी भी बाकी है, आप में अभी भी वो चीज बाकी है जो पीछे अभी भी आपने पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए सिकंदर बाबू, आपको ये पुरस्कार मिला, आपको पुरस्कार जो मिला इसलिए मुझे सबसे ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा महाप्रसाद हमको मिला आज। कलम में वो धार है, कलम में वो धार है जो तलवार में नहीं होता, कलम में वो धार है जो तलवार में नहीं होता, और तेरे लिए है सिकंदर, इससे बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता। और मैं इस छात्र के नेक्स्ट डायरेक्टर महोदय रत्नेश कुमार रत्न जी को पुरस्कार दे। महोदय जी राम सिंहासन जी के माध्यम से यह पुरस्कार हमारे इस झांकी के प्रोट्रैक्टर रत्नेश कुमार रत्न जी को समर्पित। भैया आप बीच में सेटिंग। और मैं सभी दर्शकों से वंदन अभिनंदन करते हुए, और तीसरा हमारे इस झांकी के प्रोट्रैक्टर रणधीर चौधरी जी, रणधीर चौधरी जी इनका भी काफी योगदान है इस कलश शोभा यात्रा के। झांकी के प्रोप्राइटर रणधीर चौधरी जी, जिनको पुरस्कार रत्नेश जी के द्वारा, रत्नेश जी के द्वारा यह पुरस्कार। और मैं फिर बुलाना चाहूंगा चौथा पुरस्कार अशोक राय जी, जो हमारे कमेटी के मेंबर है और हमेशा इसमें सहयोग करते हैं झांकी के जो भी कलाकार। जय माता दी। अब अशोक राय जी, अशोक कुमार, अशोक कुमार राज जी, अब आपके सामने में अशोक राज जी हाजिर है और इन्हें पुरस्कृत करेंगे शंकर पासवान। अब चलिए संध्या, संध्या आरती में जो हमारे ग्रामीण बच्ची गाती है आरती कुमारी, हाँ आरती कुमारी, और आरती कुमारी को पुरस्कृत करेंगे राकेश कुमार पाठक। सामने आओ ना, सामने। जी हाँ, ये लड़की आरती, ये संध्या भजन करती है, बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत ईश्वर आपकी गायकी में इसी तरह से वृद्धि करता रहे। अब दूसरी जो गायिका है सुभद्रा कुमार, प्लीज अब सुभद्रा कुमारी को पुरस्कृत करेंगी, करेंगे प्रमोद दीवाना। जी हाँ प्रमोद दीवाना, अब आपके सामने में हाजिर है सुभद्रा कुमार। अब झार झरनी भी आप लोग देखते हैं, आज ये हमारे हारमोनियम है, आप इन्हें बेहतर जानते होंगे, राम वृक्ष राय जी इन्हें पुरस्कृत करेंगे, श्री श्याम कुमार। आदरणीय रामवासी छोटे भाई और बुजुर्ग लोग एवं मेरे पूरा पूजा के लिए कमिटी के आदमी, कमिटी के आदमी हैं, साथ ही साथ मेरे मित्र हो गए, उनको मैं फिर से आभारी करके रखता हूँ। साथ ही साथ भैया जिस समय में ये हनुमान मंदिर नहीं बना हुआ था,
यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, उस समय में अपने पार्टी के तहत मेरे पार्टी का लेकिन उसी समय इनका सेवा करता रहा हूँ, करता रहूंगा भैया। लालू ठाकुर जी को धनंजय कुमार जी पुरस्कृत करेंगे। जी हाँ, ये है लालू ठाकुर जी। भरत भंडारी जी हो गया, राम बाबू पासवान नहीं है वो भी, हाँ उधर देखिए ठीक से। इन्हें अच्छे ढोल बजाने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। अब लाल बाबू राय जी हाँ बेलियोटन में हमारे यहाँ बहुत जमाने से परंपरा चली आ रही थी। हम लोग बड़े ही लाठी के साथ भाले के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए माँ के बेलियोटन में जाते थे। वो प्रथा लुप्त होती आ रही थी ये चीजे के कारण, लेकिन इस शख्स ने अपनी बदौलत उस परंपरा को कायम रखा और इसी पर खुश होकर के हमारे कमेटी ने इन्हें पुरस्कृत करने के लिए जितेंद्र मुखिया को आमंत्रित किया है। उपेंद्र मुखिया, महेश ठाकुर, कलहाई पटेल महेश ठाकुर जो लक्ष्मी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं।